स्वागत तो है आपका अपने चैनल ब्रागन मीनो में तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं करवा चौथ का टाइम है और हमारे क्लाइंट हमारे पास रेडी होने आए हैं और मैम को बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए था और क्योंकि इनको साड़ी पहननी थी और इन्होंने कहा था कि मुझे बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए और आप जैसे कि देख पा रहे हैं जो स्किन है वो थोड़ा सा मेच्योर है तो मेच्योर स्किन पे जो क्लाइंट होते हैं वो थोड़ा सा लाइट मेकअप ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे लाइट मेकअप चाहिए मैंने कहा ठीक है मैम मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको लाइट मेकअप दे सकूँ और एक इनका था कि इनको जो हेयर स्टाइल था वो थोड़ा हैवी चाहिए था बट इनका एक इशू आ रहा था कि इनकी जो हेयर ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा लाइट थी बाल बहुत हल्के थे तो हैवी हेयर स्टाइल देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर हम क्रिम्पिंग भी करते हैं तो उससे भी थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि अगर बाल बहुत ज़्यादा हल्के होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है बट कोई नहीं हम कोशिश करेंगे और सबसे पहले हमने जो था मैम को सी हमने कंप्लीट कर दिया था आप देख सकते हैं क्लिनिंग मैं पहले उनको कर चुकी थी उसके बाद मैंने टोनिंग कर दी थी टोनिंग के बाद आप देख सकते हैं जो मॉइस्चराइज़र मैंने मैम को अप्लाई किया था और मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने प्राइमर मैम को मैं बेस जो है इनका कंप्लीट कर रही हूँ आप देख सकते हैं प्राइमर मैं मैम को फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और जब हम क्लिनजिंग करते हैं सी करते हैं सी प्रोसेस करते हैं उसमें टू मिनट का गैप होना बहुत ज़रूरी है ये मैं आपको क्लियर कर दूं तो वो सारी चीज़ें मैं पहले कंप्लीट कर चुकी थी अब प्राइमर मैंने मैम को कंप्लीट कर दिया उसके बाद जो है मैम को मैं ये आप देख सकते हैं कलर करेक्शन कर रही हूँ मैम को थोड़े से डार्क नीचे आँखों के नीचे डार्क सर्कल थे जो उनके फेयर जो उनकी स्किन टोन था उसके अकॉर्डिंग मैं उनका जो कलर करेक्टर उनको दे रही हूँ और मैंने पूरी कोशिश की कि मैम जो लुक चाह रहे थे वो उनको मैं दे सकूं क्योंकि क्या होता है कि मेच्योर स्किन पे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं बट उसके बाद भी जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाता बट क्या होता है कि कई मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी कर देते हैं बहुत ज़्यादा जो फाउंडेशन होता है बहुत ज़्यादा उसको हैवी कवरेज मतलब देने की कोशिश करते हैं बट मेच्योर स्किन जो होती है उस पर अगर हम लाइट पेंट कप ही करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि अगर आप मेच्योर स्किन पे अगर आप वर्क कर रहे हैं अगर आप मेच्योर स्किन पे काम कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए ना कि डार्क होना चाहिए तो मैम को उसके बाद मैं कंजीलर आई जो मैम के अंडर आई हैं उनको मैं कंजीलर उनकी जो स्किन है उनसे जो मैंने मैम को कलर कैक्ट्री दिया था उससे टू पॉइंट ऊपर मैंने उनको कंजीलर शेड दिया है और उसके बाद मैं ये आई मैजिक का फाउंडेशन मैं इनकी जो स्किन है उसके अकॉर्डिंग मैं कलर यूज़ कर रही हूँ आप देख सकते हैं आई मैजिक का फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है और ये जो फाउंडेशन है इसको हमें थोड़ा सा वार्म करना बहुत ज़रूरी होता है फाउंडेशन को पहले ब्रश से थोड़ा सा हम वार्म कर लेंगे उसके बाद हम इसे स्किन पे अप्लाई करेंगे ओके okay गाइस जब फाउंडेशन पूरा स्किन पे अप्लाई हो जाता है अगर आप चाहें तो ब्रश से भी फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं बट मैं क्या करती हूँ मैं पहले फाउंडेशन uh, को पहले ब्रश से पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ और फिर उसके बाद मैं ब्यूटी uh, ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करती हूँ अभी आप देखते रहिए वीडियो में सारा ब्रश से मैम को जहाँ जहाँ मुझे लगा था कि मैम को नीड है वहाँ क्योंकि मैम के नेक पे भी थोड़ा सा गले ये यहाँ पे थोड़ा सा चिन के नीचे भी थोड़े से ब्लैक ब्लैक उनको था तो थोड़ा सा हल्का पिगमेंटेशन टाइप उनको बोल सकते थे और हल्की स्किन जैसे कि ब्लैक हो जाती है उस टाइप का कुछ था तो मैंने फ़ाउंडेशन उनको वहाँ भी मुझे लगा कि उनको देना बहुत ज़रूरी है और ये ब्रश से मैंने जो फाउंडेशन था अप्लाई करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही और एक चीज़ का आप ध्यान रखें जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें तो उसको थोड़ा वेट कर लें यानी कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है आप उसको पानी में थोड़ा भिगो लें और उसको अच्छे से स्पंच उसको बिल्कुल उसको मतलब जो उसका पानी है बिल्कुल सोफ जाना चाहिए और हल्का जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है वो वेट होना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है और फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं जो यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का ही कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ किया है कॉम्पैक्ट जो होता है हमारे मेकअप को बेस को सेट करता है ओके और सेट करने के बाद मैंने आई मैजिक का ही मैंने लूज़ पाउडर मैंने यूज़ किया है जिससे क्या होता है कि जो हमारे आइज़ होती हैं अंडर आइज़ होती है, है वहाँ पे क्रीज़ आ जाती हैं जैसे कि आपने देखा होगा मेच्योर स्किन होती है वहाँ पे रिंकल आ जाते हैं जैसे कि आपने देखा है कि हमारी आइज़ के पास अंडर आइज़ के पास रिंकल आ जाते हैं और जो हमारी नोज़ होती है लिप्स एरिया जो होता है हमारा हमारा यहाँ पर भी हमें लूज पाउडर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लूज़ पाउडर जो होता है हमारे मेकअप को लॉक कर देता है कॉम्पैक्ट हमारे मेकअप को सेट करता है और लूज़ पाउडर हमारे मेकअप को लॉक करता है तो इसलिए ये प्रोसेस करना आप कभी ना भूलें जिससे क्या होगा कि अगर आप लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे तो हमारी जो अनराई होती है हमारी क्रीज़ कभी नहीं आएंगी और जो हमारा मेकअप है वो बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है तो अभी आप देख सकते हैं मैंने मैम को जो मैम के अंडराई हैं और उनके नोज़ के पास उनके लिप्स के पास जो एरिया होता है वहाँ पे मैंने उनको बहुत अच्छे से जो लूज़ पाउडर है वो अप्लाई कर दिया है ताकि जो मैम का मेकअप है वो अच्छे से लॉक हो जाए ओके फ्रेंड्स के बाद मैंने मैम को आईब्रो शेप मैंने दे दी है और क्या था कि मैम ने पैकेज लिया था कहीं पे और पार्लर में मैम गई थी तो वहाँ पे थोड़ी सी जो आईब्रोज थी मैम की वो थोड़ा सा आ, मतलब आउट थी तो वो मैंने पहले उनको सेट की और शेप मैंने उनको आईब्रो की बहुत अच्छे से पूरी कोशिश की कि उनकी आईब्रो को मैं अच्छी शेप दे पाऊँ उसके बाद मैम को मैं आई जो आई शेडो है वो अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो भी मैम ने बोला था कि मुझे बहुत लाइट चाहिए और क्योंकि उनको साड़ी पहननी थी वो चाह रही थी कि मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे ओट नहीं लगना चाहिए कि ज़्यादा मुझे ऐसा लगे कि मुझे ज़्यादा हैवी हो रहा है क्योंकि वो कह रही थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब मेकअप करा रही हूँ तो मुझे ज़्यादा हैवी नहीं लगना चाहिए तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनको जो मेकअप है वो बहुत लाइट दूँ और इसके बाद मैं मैम को ये देख सकते हैं कॉन्ट्रोल में उनको कर रही हूँ और यहाँ पे उनके चिन के पास जाल लाइन के पास जो उनका फ़ैट था वहाँ पे मैं उनको कॉन्ट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मैम ने बोला था मैम की रिक्वायरमेंट थी कि थोड़ा सा जो मेरे ये चिन के नीचे जो मतलब फ़ैट है ये थोड़ा सा आप कोशिश करिए तो मैंने पूरी कोशिश की कि उनको जो कॉन्टोरिंग मैंने की वो मतलब उनको अच्छे से उसको हेल्प मिले और आप देख भी सकते हैं वीडियो में कि जो फेस था वो काफ़ी हद तक मैम का स्लिम लग रहा था बट क्या होता है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हंड्रेड परसेंट नहीं हो पाती क्योंकि हर मेकअप आर्टिस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है बट कभी भी मेकअप में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं कभी भी आप किसी चीज़ को तो ज़्यादा अप्लाई करके अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इसे ज़्यादा करके हम इस चीज़ को कमी को मतलब कम कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होता है एक लिमिट में ही आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं तो कॉन्टोनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई कर और जो फेस वो आपका थोड़ा अजीब लगने लग जाए बट ऐसा नहीं ये देख सकते हैं आप शेप देख सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको लाइट कंट्रोलिंग मैंने की है बट उनकी जो शेप थी फेस की वो उनको लग रही थी कि हाँ जी थोड़ा सा मतलब यानी जो फेस है मेरा वो शेप में लग रहा है उसके बाद मैंने मैडम को आई लाइनर मैंने अप्लाई कर दिया है लाइनर भी मैम को बहुत आ, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए था बहुत पतली लाइनिंग मैंने उनको लाइनर की दी थी बट मैंने उनको कहा था कि मैम थोड़ा सा तो हैवी होना चाहिए वरना तो मेकअप नहीं लगेगा और लास्ट में मैम ने भी यही कहा था कि अगर बिल्कुल भी अगर नहीं होगा तो वो मेकअप क्या होगा और इसके बाद मैंने नोज़ पे मैम को काउंटनिंग कर दी है और चिक एरिया पे मैंने उनको चिक्स पे जो मैंने उनको ब्लशर दे दिया है आप देख सकते हैं गाइज अगर आप नोज़ के ऊपर कॉन्टोनिंग देखना चाहते हैं कि नोज़ पे कॉन्ट्रोलिंग कैसे की जाती है या जो जैसे ऐसा होता है कि जैसे किसी की बहुत बड़ी नाक होती है थोड़ी सी नीचे से थोड़ा सा चौड़ी होती है तो उस पर कॉन्टोनिंग कैसे की जा सकती है और हम अपनी नोज़ को कैसे शेप में ला सकते हैं तो अगर आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं आपको इसके लिए एक एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाऊँगी और ये मैम को हाईलाइटर मैंने दे दिया हाईलाइटर मैम बहुत ज़्यादा मतलब नहीं चाह रही थी वो कह रही थी क्योंकि दिन का टाइम है क्योंकि आपको पता है करवा चौथ का जो टाइमिंग होता है वो दोपहर को ही होता है क्योंकि अगर हम लाइट मेकअप भी करते हैं ना तो नाइट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बट अगर आप लाइट से लाइट मेकअप भी करते हैं ना और दिन में अगर आप दिन के टाइम में अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा हैवी है बट ऐसा नहीं होता क्योंकि जो मेकअप होता है वो दिन में हमारे फेस में दिखाई देता है अच्छे से फाउंडेशन हमने यूज़ किया वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं बट ये सारी नाइट में अगर आप ये मेकअप अगर आप करके जाएंगे ना तो आप सबसे अलग दिखाई देते हैं तो मैम को ये सारी चीज़ें मैंने उनको समझा दी थी और वो मेरी बात से अग्री भी थी उन्होंने खुद कहा था कि हाँ जी बिल्कुल दिन में जो मेकअप होता है वो थोड़ा अलग ही मतलब दिखाई देता है तो फिर भी उन्होंने कहा था कि हाईलाइटर आप मेरे को बहुत लाइट देना तो मैंने बहुत लाइट उनको हाईलाइटर दिया था और ये मैम को काजल मैंने अप्लाई कर दिया है और मैम बहुत हैप्पी भी थे मेरे साथ और वो बातें भी कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि मैंने आ, मतलब मेकअप कभी कराया नहीं है तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं मैम आप एक बार मुझसे मेकअप कराइए तो आप हर बार मेकअप कराने आएंगे और लिपस्टिक की अगर हम बात करें तो मैम को जो साड़ी पहननी थी वो थोड़ा डार्क कलर की मतलब पहननी थी उनको बट जो चेरी कलर होता है वो उनको साड़ी पहननी थी लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जो लिपस्टिक शेड चाहिए वो मुझे रेड ही चाहिए तो मैंने कहा कि ठीक है मैंने उनको बोला कि मैम थोड़ा सा जो लिपस्टिक शेड है वो हम अलग दे देते हैं लेकिन मैडम ने बोला कि नहीं मुझे जो लिपस्टिक शेड है वो मैं रेड ही लूँगी क्योंकि वो स्टार्टिंग से वो कुछ भी अगर पहनती हैं उन्होंने बताया मुझे कि वो कुछ भी पहनती हैं तो वो रेड कलर ही जो लिपस्टिक है उनको ज़्यादा बेस्ट लगता है तो वो रेड कलर ही लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे जो लिप का लिपस्टिक का जो कलर है वो मुझे रेड ही चाहिए तो उनको जो लिपस्टिक का कलर था वो मैंने रेड दिया ठीक है आप देख सकते हैं अब बात आ जाती है हेयर स्टाइल की तो हेयर स्टाइल के लिए आप देख सकते हैं कि मैम की जो हेयर ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हल्के हैं मैम के बाल बहुत ही हल्के थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि मैं मैम को कैसे जो हैवी हेयर स्टाइल दूँ क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वो थोड़ा सा जो हेयर स्टाइल है थोड़ा सा हैवी चाहती थी वो और बट उनके जो बालों को था मुझे वो भी देखना था मैंने क्रिम्पिंग भी बहुत अच्छे से की मैम को और आप देख सकते हैं कि इतने हल्के बाल होने के बावजूद भी मैंने इनको ये देखिए आप उनके बाल देख सकते हैं और पीछे से मैंने इनको कर्ल किया कर्ल करके मैंने उनको जो पीछे मैंने उनको डोनट लगाया उसमें कर्ल करने के बाद मैंने उनको एक प्यारा सा हेयर स्टाइल मैंने मैम को दिया और मैम बहुत ज़्यादा खुश थे कि आपको बताइए आप। फाइनली जो लुक आया वो कैसा है बहुत अच्छा लगा बहुत सुंदर लुक आया जैसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा बट बहुत अच्छा किया आपने बहुत इतनी मेहनत की

चलिए थैंक यू सो मच और नेक्स्ट टाइम आप कब आ रहे हैं आप हमारे पास बहुत जल्दी चलिए अब okay. जब भी जब मुझे आना होगा कहीं भी किसी फेस्टिवल में या किसी भी मान के चलिए किसी ओकेजन पे किसी पार्टी फंक्शन में डेफिनेटली मैं यहाँ ओके मैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच